तो जी अज तुहाडे कोल लैके आए हैं फोर्स गुरखा। सो अं अपने मोबाइल सिटी तो बैठे हाँ, तो वेखो भी जोड़े कहें भी थार का तोड़ है वा, गड्डी काफ़ी वड्डी आ, टायर टूर भी जमा ही स्टॉक आ पूरी, मतलब सारा कुछ पिछों लोडेड आता, कुछ कराने की लोड़ नहीं। वेखो भी गड्डी की हाइट, वेखो भी मेरी हाइट आखो, मैं इतने रह गया जिदे मतलब अपना ही मतलब 7 फुट उच्ची है। बाकी टायर साइज भी ये जो पिछों आ रहा वा 245/70R16 तो जमा ही मर्सडीज़ का इंजन है ये, तो पावर सारे मतलब बनी है ऑफ रोडिंग ट्रेल वास्ते, हर तरह की ट्रेन वास्ते ओके जैस आइटम वा पूरी। तो थानू इंटीरियर विखाने की माहौल चाल, अंदर थानू करते हैं अपडेट। वो जी आ चुके हैं एसी अंदर, लो जी बड़ी स्पेस खुला डुला इंटीरियर ए, स्टार्ट करके देखते हैं। लो जी स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्त वा, सिंपल सिस्टम है जमा ही, 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स, तो आदि कैंड चेंज है न्यू 4H 2H, यह डिफरेंशियल लॉक है ये, आफ्टर मार्केट लगी हुई है। तो पिछे भी जमा ही बहन का मतलब पिछले डिग्गी खोल के जमा ही अंदर आओ, घंटा प्रोग्राम एकदम। बाकी चला के देखते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस भी घंट ही होएगा यदा, बॉडी रोल जमा ही। बाकी हाइट बड़ी है, क्लच जमा ही लूज आ, स्टेयरिंग भी इन्ना भारा नहीं है, तो छत बड़ी एरी जहाँ इंटीरियर हो, छत उच्ची है, जब अंदर तुम गुम जहाँ नहीं महसूस करते। बाकी फोर्स दियाँ गड्डियाँ तुम्हें पता भी तकड़ी है, कमर्शियल चलदिया ने, पास ने, यह जहाँ कोई चक्कर नहीं है, ये थार का कॉम्पीटीटर अं कह सकते हैं इस टाइम जो हैगा। बाकी एक इकलौती गड्डी है जिसमें स्नॉर्कल इनबिल्ट पिछों ही आता स्टॉक, अगे शील्डा लगिया हुई ने, झाड़िया झूड़िया वजदियां ने, किसी तरीके का कुछ भी होंगे, किस तरह की कोई टेंशन नहीं। बाकी अलग जी गड्डी है, लोग वेखते हैं एक करी भी थोड़ी बहुत जो टायर स्टॉक आए हैं, थोड़े जो तुम टायर अपग्रेड कर लो तो लुक हो जब। बाकी थोड़ा जहा गेयर नॉब थोड़ी जी मैं लूज जी लगी, जिदा थोड़ा जहा कह लो जिदा इंडियन मेड जी है। बाकी पिकअप वगैरह सेट है गड्डी की, सो बाकी सारा कुछ अं फुहारा चौंक तो यूटर्न मारते हैं। बाकी इतने डिफरेंशियल लॉक के गाइडलाइन दिखाई हुई ने भी किमें इंगेज करना, यू टर्न ही मारना, या किड़े वेले फोर लो यूज करना वा, मतलब ऑफ रोडिंग के टक्कर से गड्डी देखो जी, जे तुम 3-4 जने घूम फिर शकीन जे लेह लद्दाख जाना है, इधर उधर कच्चे गड्डी लानी है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड ट्रैक पर जाना वा, वो जो XYZ ये चीज़ों वास्ते गड्डी प्रैफर हैगी है। बाकी माइलेज कोई 11-12 की है, फोर्स गुरखा क्या वेखो भी स्क्रीन स्कूना तू बारों पेज मार के जोड़निया पैनगियां जिहड़ा क्योंकि इहदा प्रोपर फिटिंग च इहदा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है। बाकी काफ़ी हाइट पर तुम बैठ जाते जो वेखो, इस चीज़ का तो मज़ा आता वा। बाकी मैं प्रैफरली करा भी मैं ECU चला वा, मैनू तो वेखो उहदी ड्राइव की बिल्डिंग क्वालिटी गुड लगती है, इहदे नाल बहुत उत्ते आ। बाकी गेयर नॉब बड़ा अजीब जिहा वा, टिक टिक करके पैंदा जिहदा जिहड़ा जिवें घंट जिहा नहीं लगा है ना, चौथा तीजा इहना स्मूथ जहा नहीं लगा आपको, जो मैं दूजे तो बाद थोड़ी जी भी हाथ चढ़ते टाइम लगता गड्डी।
ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਸਟੋਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ BS6 ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗੱਡੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DPF ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ DPF ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੈਂਟ ਨੇ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਕੋਟੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਘੈਂਟ ਆ, ਪਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਟਾਈਪ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਬਾਕੀ 12 ਵੋਲਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆ, AC ਆ, AC ਮੈਕਸ ਵਾ, ਆ USB ਆ, ਅਤੇ AC ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਹਾਈਟ ਯਾਰ, ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਇਨ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਨੋਰਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਥਾਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਘੁੱਟਾਡਾ ਸੂਮੋ ਟਾਈਪ ਲੁੱਕ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਘੈਂਟ ਜੀ ਵੈਗਨ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।